लिए क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन के एक लीटर में, एक लीटर आपका सॉल्यूशन है और उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, मान लो हमारा x अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो वो होगी आपकी मोलैरिटी। ठीक है, एक लीटर सॉल्यूशन बनाया आपने, x अमाउंट उसमें सॉल्यूट है, तो अमाउंट, और जो हम अमाउंट देख रहे हैं वो किस में है आपका, नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है, तो बेसिकली मोलैरिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर्स में ही होना चाहिए। अगर आपको ml में दिया है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ml को आपको क्या करना है, सिर्फ लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय डिवाइडिंग बाय 1000। तो अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप ml में कर रहे हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा और फिर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000। उसके बाद आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूट जनरली जो हम सॉल्यूट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 या फिर 3 को यूज करते हैं, किसको, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर हमें सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए जनरली यूज करते हैं 1 या फिर A। ठीक है, इनको हम किस में यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट में। जैसे अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है तो हम क्या करेंगे, मोल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को हम क्या लिख देंगे, एम बी डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास को मैं लिख देती हूँ एम, तो मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का ही, तो लिख देंगे मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मतलब ये तो यही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी मोलैरिटी। और अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स को ही लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब अगर हम मोलैरिटी के टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें तो जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि हमारे जो इसमें इसके फॉर्मूले में जो एक टर्म है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो चेंज करता है टेम्परेचर के साथ, इसलिए आपका जो मोलैरिटी है वो भी क्या होगा, चेंज होगी। ठीक है, तो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है आपका, क्या न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन prepared by dissolving 4 gram, मतलब हमारा NaOH का मास दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया आपको, 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution, हमें वॉल्यूम दिए भी दिया है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें क्या दिया है, 250 ml। ठीक है, और हमारी मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें पहले, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट हमारा यहाँ पे NaOH, और NaOH का मास आपका होता है 40 ग्राम्स, तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 40, तो आपका आ जाएगा 0.1 मोल्स, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 0.1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो वॉल्यूम हमें 250 ml में दिया है, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसके बाद आपका इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स क्या होंगे, आपका ऊपर क्या टर्म है, नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.4 मोल्स पर लीटर, नीचे क्या है, लीटर्स पर लीटर, तो ये हो गया आपका 0.4 मोल्स पर लीटर, इसके यूनिट्स होंगे, या फिर हम इसके यूनिट्स को लिखते हैं मोलर,
है तो मोल्स पर लीटर या फिर मोलर, तो इसका आंसर होगा 0.4 मोल्स पर लीटर या फिर 0.4 मोलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलैलिटी।